मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू, सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था, सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान क्या देर अंधेर कुछ ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहां चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा, अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा, क्या हो गया महाराज? हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझ ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो, 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, आवाज सेट करे मनुष्य, ईको खत्म हो गया, डिले नहीं आ रहा मनुष्य। और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा, भोले ना आगे वापिस आ गया मनुष्य, और भगवान के पास जाकर बोला, भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा, अब तुझे क्या हो गया? भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु? भगवान ने कहा, गधे की बच्ची है, कितने साल बचे? 20। मनुष्य कहा, दे दो प्रभु। भगवान ने कहा, ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो, 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया, कुत्ता शंकर जी से बोला, भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा, तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठकर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ के रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं, महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा, कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया, उल्लू ने आकर कहा, भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा, तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती भोलेनाथ, मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूं, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी, कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, मनुष्य आकर बोला, अरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा, क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, उल्लू की बच्ची है, चले गी के ले जा। कितने का हो गया? 100। अब तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, कितने साल? जम के बोलो जरा, 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है, खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चक्का चक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पीने खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है। तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है, 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो, गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझ होता है, बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे, और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, बहु, वहीं से, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है। वही से, वही से। अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद, 80 से 100,
उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए, डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही। आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके। शेर चाह